जब हम कभी चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है, या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच विचार दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है, इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल, कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है, सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।